दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ, जिस स्टोरी को सुनने के बाद सच कहूँ तो दोस्तों मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी को जब आप सुनेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ही बदलाव आएंगे। तो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि एक राजा होता है जो कि अपने महल के अंदर वो टहल रहा होता है, और टहलते वक्त होता क्या है कि उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। जब वो कांटा उसके पैर में चुभता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और दर्द जब होता है तो वो क्या करता है, अपने राज्य के जितने भी विद्वान लोग होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, उन सभी को वो क्या करता है, एक मीटिंग बैठाता है ना, और उस मीटिंग के अंदर इसका अपनी जो घटना होती है उस घटने के बारे में बताता है और इसका समाधान पूछता है। तो जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घटना को पूरा सुनते हैं, ध्यान से जानते हैं, ठीक है, और उसके बाद करते हैं कि वो अपना पहला समाधान बताते हैं। तो दोस्तों पहला समाधान वो ये बताते हैं कि क्यों ना हम इस पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक दें। दोस्तों पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढकने की बात की जाती है, और इसके बाद राजा कहता है काम चालू किया जाए। दोस्तों ये काम चालू होता है, और इससे होता है काफी तकलीफ होती है, चमड़े से ढकने का मतलब होता है कि कई जीव जंतु की हत्या, और बहुत ज्यादा तकलीफ। तो इस घटना को शुरू करने के बाद बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होने लगती है, कई जीव जंतु मारे जाते हैं, और इसके बाद होता क्या है कि जो प्रजा होती है वो दौड़ी दौड़ी इसके पास आती है, राजा के पास आती है, और कहती है महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, आपके इस फैसले से जो जितने भी जानवर हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो राजा इन चीजों को समझता है, और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो फिर से उन सभी विद्वान लोगों को फिर से एकत्रित करता है, बुलाता है, और उसके बाद फिर से बताता है कि ये जो हमारा जो ये वाली हमारी प्लानिंग थी ये सफल नहीं हो पाई, अब कोई अगला उपाय बताया जाए। तो जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो सभी लोग फिर से बैठते हैं, और एक अलग फिर से एक समाधान निकला जाता है। दूसरा जो समाधान निकलता है वो निकलता ही है कि जितने भी धूल हैं और जितने भी कांटे हैं, धूल और कांटों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। दोस्तों धूल और कांटों को अलग करने की जब बात की जाती है तो राजा कहता है काम चालू किया जाए। काम चालू होता है दोस्तों इसका नतीजा ये होता है कि धूल और कांटों को अलग करने से 24 घंटे काम चल रहा होता है, धूल उड़ रही होती है, और धूल उड़ने के कारण होता है दोस्तों लोग देख तक नहीं पाते, लोगों को सांस लेने के तकलीफ होती है, इतने बुजुर्ग होते हैं, कई बुजुर्गों की हत्या हो जाती है। दोस्तों इस सभी घटना के चलते हाहाकार मच जाता है, जितने भी राज्य के लोग होते हैं वो सभी राज्य के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, कहते हैं महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, इससे तो कई लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर से राजा क्या करता है, सभी समझदार लोगों को एकत्रित करता है, बुलाता है, और बुलाने के बाद क्या करता है दोस्तों, सभी से इस घटना के बारे में बताया जाता है, और फिर एक अगला सोल्यूशन किया जाता है। जो अगला समाधान निकलता है दोस्तों वो निकलता ही है कि पूरी पृथ्वी को पानी से भिगो दिया जाए, पूरी पृथ्वी को पानी से भिगो दिया जाए। दोस्तों ये तीसरा जो सोल्यूशन निकलता है, इसके बाद होता क्या है कि ये जैसे ही काम चालू होता है इसके बाद जितनी भी नहरें होती हैं, नदियाँ होती हैं, उन सभी का पानी जब डाला जाता है तो कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि कीचड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, और सूखा पड़ जाता है, जितनी भी नदियाँ वदियाँ होती हैं तो उनसे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। दोस्तों तो जब ये ज़्यादा दिक्कतें होती हैं फिर से प्रजा एक बार भागी भागी राजा के पास जाती है और कहती है महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करने से तो आप लोगों की जान ले लेंगे। प्रजा जो होती है इस बार बाकी में काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और इसके बाद होता क्या है, ऐसी चहल गर्दी के माहौल में होता क्या है कि एक बूढ़ा आदमी आता है, बूढ़ा आदमी आता है और कहता है राजा मैंने आपके लिए एक जूते बनाए हैं, इन जूतों को आप पहनिए। तो जैसे ही वो जूतों को पहनता है और वो अपने जूतों को देखता है पैरों की तरफ, यानी पैरों की तरफ जब वो देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अंदर से खुशी होती है, कहती है वाह ऐसा भी इसका समाधान निकाला जा सकता था। वो कहते हैं मैंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, इतने सारे विद्वान लोगों को एक साथ बैठाया, उसके बाद भी क्या इतना मतलब बहुत ही सिंपल सलूशन निकाला जा सकता था। तो दोस्तों इस बात को जानने के बाद होता क्या है, राजा बहुत प्रसन्न होता है, और जो लोग होते हैं विद्वान लोग होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं अंदर से जले होते हैं कि हम सभी विद्वान लोग समाधान हमने जो बताया वो नहीं निकल पाया, और इस आदमी ने आके समाधान बताया और राजा इसकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है, उन सभी लोगों के अंदर जलेपन की भावना आ जाती है, और इससे होता क्या है कि वो राजा के पास जाते हैं और कहते हैं राजन जो ये बूढ़ा आदमी है ना, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये कोई खतरनाक आदमी है, और इसके जूते अगर आप पहनेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। इस तरीके से उसके खिलाफ भड़काया जाता है, और जब इसे ये भड़काया जाता है राजा को, तो अगले दिन जब वो उस जूते को और उस बूढ़े आदमी को देखता है तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और डर के कारण वो क्या करता है, उस बूढ़े आदमी को फांसी की सजा सुना देते हैं। उस बूढ़े आदमी को फांसी की सजा दे दी जाती है, और उस फांसी की सजा देने के बाद कोई भी विद्वान व्यक्ति जब भी राजा राज्य के अंदर आता
और समाधान बताता कि राजन अब जूते पहन सकते हैं, तो वो उसको फांसी सजा देता। दोस्तों ये घटना लगातार चलती रही और यही हर जो भी व्यक्ति आता और जूतों की सलाह देता समझदार व्यक्ति, उसको फांसी की सजा दे दी जाती। दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, बहुत जरूरी है और बहुत ही ज्यादा, सच कहूँ अगर आप सुने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सीख। तो दोस्तों सीख इस चीज की है जिंदगी के अंदर लोगों की क्या है, आज लोगों के अंदर लोगों की जिंदगी में दुख के कांटे हैं, लोगों के अंदर कई सारी लोगों की दूसरे के प्रति हीन भावनाएं हैं, काफी सारे लोगों की जिंदगी में कष्ट भी है। ये सभी समस्याओं के कांटे लोगों की जिंदगी के अंदर हैं और जब वो उसके समाधान निकालते हैं ना, तो निकालने के लिए वो क्या करते हैं, निकालने के लिए कुछ समझदार व्यक्तियों से मिलते हैं। ठीक है, समझदार व्यक्तियों का पता, आप सोच रहे होंगे कौन समझदार व्यक्ति, जो काका बाबू होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उन समझदार व्यक्तियों की सुनते हैं और वो क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को ढकने की बात करते हैं, किससे, चमड़े से, या फिर सलाह दूसरी कह देते हैं कि धूल को और कांटे को अलग कर दिया जाए, या फिर पानी से ढक दिया जाए, या पानी डाल दिया जाए पृथ्वी पे। तो ऐसी लोग सलाह देते हैं आपको, जबकि इसका जो सोल्यूशन निकल सकता है वो बहुत ही सिंपल निकल सकता है। लोगों की जिंदगी में जितनी भी तकलीफों के कांटे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, या जितनी भी लोगों के अंदर आज जो परेशानियां होती हैं, उन सभी के सोल्यूशन बहुत ही सिंपल हैं। पर लोग क्या करते हैं, कुछ काका बाबू के चक्कर में पड़ के जो कि सलाह देते हैं उल्टी सीधी, और उसके अंदर आके क्या करते हैं, जिंदगी को भी नष्ट कर देते हैं। जबकि सच्चाई है कि सोल्यूशन यही है कि हम अपने आप को बदलें। हम सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया का बदलें, ये सच्चाई नहीं है। पूरी दुनिया को बदलने के लिए निकलेंगे तो आप बदल नहीं पाएंगे, सबसे पहले आप अपने आप को बदलें, है ना। इंसान हर दिशा में चला जाता है, हर दिशा में, पूरा पश्चिम हर दिशा में चला जाता है, लेकिन जब खुद जिस दिशा में होता है ना, उस दिशा में कभी जा नहीं पाता। दोस्तों अगर आपने भी अपनी जिंदगी के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उनसे निकलें और उनसे निकल के कुछ करें, तो दोस्तों सच्चाई यही है कि आपने दुनिया को बदलने के लिए नहीं निकलना, आपने खुद को बदलना है। ठीक है, क्योंकि खुद को बदलने से आपकी जिंदगी बदलेगी। ठीक है दोस्तों, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं, ताकि मैं अगली स्टोरी भी आपके लिए लाऊं। थैंक यू सो मच।